हेलो स्टूडेंट्स, बेटे प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 को डिस्कस कर रहे थे। पॉलिनोमियल्स चैप्टर हम लोग का डिस्कस हो रहा था, जिसमें हम लोग ने 2.5 एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग पहुंच गए थे और क्वेश्चन नंबर 10 में बेटे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस किया था, जो एक आइडेंटिटी पर बेस्ड था। और वो आइडेंटिटी मैंने आपको यहाँ लिख रखी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बेसिकली अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में केवल इन्हीं दोनों आइडेंटिटी पे हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, जो कि बेसिकली ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी पर बेस्ड था। अब जो अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 64m³ - 343n³। ठीक है, अब इसको भी हमें एक सूटेबल आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करना है। ठीक, अब बेटे सबसे पहले तो एक चीज हम आपको बता देना आपको करना है। ठीक है, वो क्या करना है कि आपको 1 से लेकर 30 तक, सभी बच्चों को लगभग 10 तक तो स्क्वायर्स याद ही होंगे 10 तक, आप उसके आगे 30 तक के स्क्वायर्स याद कर लेने हैं और 20 तक के क्यूब्स याद कर लेने हैं। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा, आपको इससे जो बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको। ठीक है, तो देखो क्यों क्यूब याद करते, देखो क्यों, अब देखो यहां पर देखो एम क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर हमको पता चल जाए कि 64 किसका क्यूब है, तो हम 64 जिसका क्यूब होगा उस डिजिट को और m को एक साथ ब्रैकेट में लिख लेंगे और ऊपर क्यूब लगा देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे, हमको पता है भाई मैंने क्यूब याद कर रखा है, हमको पता है कि 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, तो हमने क्या लिखा 64 को, 4m होल क्यूब। अब इसे देखो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा और m का क्यूब क्या हो जाएगा, m क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस 343 आ रहा है, अब 343 मतलब किसका क्यूब होता है, तो हमने तो याद किया है 7 का क्यूब होता है, तुम लोग भी याद कर लो 7n का होल क्यूब। क्लियर हो गया ना। अब देखो अगर हम लोग 4m को a लेट कर लें और 7n को b लेट कर लें, क्या बोला मैंने, 4m को a लेट कर लें और 7m को b लेट कर लें, तो देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, मैंने क्या किया 4m को a लेट कर लिया और 7n को b लेट कर लिया, तो अब इससे क्या हुआ, जहां 4m था वहां आ गया a क्यूब और जहां 7n था वहां क्या आ गया, बी क्यूब। अब बेटे ये किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बेटे ये मैंने लिख रखा है, क्या होता है बेटे फॉर्मूला, ए माइनस बी अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो मैंने ए को कैलेट किया हुआ है 4m और बी को कैलेट किया हुआ है 7n। ठीक है, अब देखो इज इक्वल टू ए माइनस बी था ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4m माइनस 7, फिर यह क्या था ए स्क्वायर था, तो ए की जगह पर क्या है बेटे 4m है, तो मैंने लिखा 4m होल स्क्वायर प्लस a, अब a की वैल्यू क्या है 4m इंटू b की वैल्यू क्या है 7n प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है बेटे फिर से 7n होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक, तो यहां से क्या हो गया बेटे, देखो 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब इज इक्वल टू 4m माइनस 7n, ठीक, दूसरे ब्रैकेट में 4m स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बेटे क्या होता है 16m स्क्वायर प्लस 7 4 28 mn प्लस 7 का स्क्वायर बेटे कितना 49n स्क्वायर, ये बेटे आपको क्या हो गया फाइनल आंसर। ठीक, जल्दी से नोट करो बेटे इसको। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर चले, क्वेश्चन नंबर 11 पर चला जाए। चलो फैक्टराइज करना है, क्या फैक्टराइज करना है, 27x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, इसको फैक्टराइज करना। अब देखो बेटे इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले ये देखना ध्यान से, 27 क्यूब को लिख सकते हैं, 27x³ को हम क्या लिख सकते हैं 3x³, वाई क्यूब एज इट इज, z³ as it is, 9 को देखो क्या लिखते हैं, देखो अगर हम पहले इस फॉर्मूले से मैच करते हैं, देखो यहां पे
क्या लिखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी। यहां देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए की जगह पे 3x, बी की जगह पर y, z की और c की जगह पे z, माइनस क्या होता आगे 3abc, मतलब 3 के साथ में इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। तो हम इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं और जरा मैच करते हैं, क्या ऊपर वाला जो डिजिट लिखा था 9xyz वो आ रहा है क्या, 3 3 9 xyz, जी बिल्कुल आ रहा है। तो यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी का फॉर्मेट यहां पर बन गया है, फॉर्म बन चुका है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू में इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, क्या होता है इज इक्वल टू में ए प्लस बी प्लस सी। तो हम भी क्या करेंगे, ए की जगह पर कितना 3x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में बेटे कितना ए स्क्वायर, और ए की जगह पर क्या 3x, और 3x का स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर। फिर क्या होता है प्लस का बी स्क्वायर, तो प्लस बी की जगह पर है y, y का स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा c का स्क्वायर, और c की जगह पर क्या है z, z का स्क्वायर। सॉरी ब्रैकेट लगेगा अभी, अभी ब्रैकेट नहीं लगेगा, अभी तो और बचा हुआ है। ठीक, उसके बाद देखो बेटे आगे क्या, माइनस ए बी माइनस ए बी, ए बी थ्री एक्स वाई माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस बी सी माइनस सी ए, जल्दी से कर लो इसको। हाँ, तो 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy, यानी कि माइनस ab हो चुका है, माइनस bc, और bc की जगह पर हो जाएगा yz, माइनस ca, c की जगह पर है z, a की जगह पर है 3x, 3xz, ये बेटे आपका आंसर आ गया, फैक्टराइज हो चुका है। ठीक है, ये आपका आंसर। कौन सा फॉर्मूला बेटे यूज किया, कौन सी आइडेंटिटी यूज की, आपके सामने लिखी है आइडेंटिटी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी याद होना चाहिए, जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, वेरीफाई करना है बेटे आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू हाफ इन वन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड अनदर ब्रैकेट एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर वाई माइनस जेड होल स्क्वायर एंड जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखो बेटे इसमें क्या, इसमें देखो जो इक्वल के इधर वाला साइड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं LHS, और जो इक्वल के बेटे इधर वाला साइड है इसको क्या बोलेंगे हम लोग RHS। ठीक है, तो हमें क्या करना है LHS को RHS के इक्वल में प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग स्टार्ट करेंगे LHS से और पहुंचेंगे किसके पास, RHS के पास। ठीक है, स्टार्ट करेंगे LHS से और पहुंचेंगे किसके पास, RHS के पास। ठीक, चलो पहुंचते हैं। चलो तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने ले लिया यहां पर, यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। अब इसका फॉर्मूला होता क्या है, तो ये लिखा है बेटे इसका फॉर्मूला, हम लोग पहले क्या करेंगे इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये तो फॉर्मूला होता है। ठीक, अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। अगर हम एक काम करें बेटे, 2 by 2 से मल्टीप्लाई कर दें RHS में, 2 by 2 से मल्टीप्लाई, क्यों सर आप 2 by 2 से क्यों कर रहे हैं, हम 3 by 3 से करेंगे, नहीं
2 by 2 से इसलिए करेंगे बिकॉज देखो बेटे यहाँ पे जो आरएचएस में हमको प्रूफ करना है नीचे हमें 1 by 2 चाहिए, मतलब यहां पर मल्टीप्लाई में हमको 1 by 2 चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। तो अब हमको डिनोमिनेटर में 2 तो लाना है, तो मैंने ले आए हम 2 तो ले आए, लेकिन क्या अपने मन से हम डिनोमिनेटर में 2 रख देंगे? ऐसा तो है नहीं। अगर मैंने अपने मन से डिनोमिनेटर में 2 रख दिया तो इसका मतलब क्या होगा, जो आरएचएस है उसकी पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि वैल्यू भी चेंज ना हो और डिनोमिनेटर में 2 भी आ जाए। तो मैंने क्या किया, 2 by 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे क्या है, 2 by 2 = 1 होता है, तो इससे क्या होगा, हमारे जो आरएचएस पोर्शन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब जैसा आगे लिखा था मैंने एज इट इज उसको वैसा ही लिख दिया, x²+y²+z²-xy-yz-zx। ठीक सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब देखो x²+y³+z³-3xyz=1/2। अरे सर ऊपर वाला 2 कहां चला गया? अब देखो हम करेंगे क्या, ध्यान से देखना, हमने इधर 1/2 लिया, x+y+z तो लिख लिया, बट ये जो न्यूमरेटर वाला 2 है ना, इसको क्या करेंगे हम सेकंड वाले ब्रैकेट में सारे टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, सारे टर्म्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे, ये वाला 2 साइन से अंदर गया और यहां पे हो गया 2x², फिर इस वाले 2 ने कहा हम इसके साथ ही मल्टीप्लाई होंगे, 2y², फिर 2z², 2xy, 2yz, 2zx। क्लियर? क्या किया, नीचे वाला भाई जो 2 था उसको तो छोड़ दिया, ऊपर वाला जो 2 था अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलो x³y³z³-3xyz=1/2 x+y+z। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, यहां कितने एक्स स्क्वायर लिखे हैं बेटे, 2x² ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x² + x² 2y² को y² + y² 2z² को z² + z² -2xy 2yz 2zx। ठीक, मैंने क्या किया, 2x² 2y² 2z² को क्या कर लिया है, ब्रेक कर लिया है। क्या कर लिया है, ब्रेक कर लिया है। क्यों कर लिया सर ब्रेक, बताते हैं। x³+y³+z³-3xyz=1/2 x+y+z। अब ध्यान से देखो हम यहां से क्या करना है, देखो जो 2xy 2yz 2zx लिखा है ना, इसमें देखो ध्यान से ये क्या लिखा हुआ है सर, 2xy लिखा है। तो अब 2xy लिखा है ना, तो देखो यहां x आ रहा है, यहां पे y आ रहा है, तो हम यहां से एक x² उठा लेते हैं और यहां से एक y² उठा लेते हैं और -2xy को उसके साथ में लिख देते हैं। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी बताते हैं, बस जो मैं अभी कर रहा हूं उसको देखते चलो। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है सर, आगे तो yz लिखा हुआ है, 2yz। ठीक है, तो 2yz के पास देखो एक y है एक z है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब की एक y² उठा ले रहे हैं और एक यहां से z² उठा ले रहे हैं और साथ में क्या लिख दिया, 2yz। क्लियर? अब देखो क्या लिखा है, zx। ठीक है, अब देखो यहां पर 2y² थे, दोनों वाई स्क्वायर यूज हो चुके हैं, एक यहां पर हो चुका है, एक यहां पर हो चुका है, वाई स्क्वायर वाले तो भाई खत्म हो गए। अब एक एक्स स्क्वायर यूज हो चुका है, बट एक बचा है ना, एक बचा है भाई लो, और सर यहां पर एक जेड स्क्वायर तो यूज हो चुका है लेकिन एक बचा है, कोई बात नहीं ये लो। और आगे क्या लिखा था, -2zx। क्लियर हुआ? अब देखो कितना मजा आएगी, x³+y³+z³-3xyz=½ x+y+z। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपको मैंने क्या पढ़ाया था, a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, a² + b² - 2ab, ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बोल दो नहीं पढ़ाया था।
हाँ सर पढ़ाया था आपने, ये आपने पढ़ाया था, पढ़ाया था ना, हाँ ये मत बोला नहीं पढ़ाया था। तो अब देखो क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये किसके इक्वल होता है बेटे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहां देखो क्या लिखा है, यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा सर, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के इक्वल होगा सर, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। बिल्कुल सही बोला आपने। तो फिर दूसरा वाला बेटे देख लो, दूसरा वाला क्या लिखा है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड, तो सर ये वाई माइनस जेड होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है अगला देख लो, अगला क्या लिखा है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू जेड एक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब देख लो यहां पे जरा अपना जो आपका सेकंड वाला पोर्शन था क्वेश्चन में, हम लोग यहां से चले थे और कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए देख लो, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अनदर ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर नहीं, ये आपका प्रूफ हो गया, वेरीफाइड, क्या हो गया, वेरीफाइड। जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से नोट डाउन कर लो उसको, अच्छा क्वेश्चन था बेटे, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है बहुत सारा प्रैक्टिस करना है इसमें, चलो जल्दी से करो। चलो इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है इरेज कर दे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, शो दैट क्या शो करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस इक्वल टू 3xyz, ये शो करना है। और ये देखो मैंने पहले से शो करके रखा है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग यहां पर ABC के फॉर्म में था, यहां हम लोग एक्स वाई जेड के फॉर्म में कर देंगे, बहुत इजी है। ठीक है तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में चलेंगे, जब हम लोग सॉल्यूशन में चलेंगे तो देखो बेटे हम लोग क्या पता है, वी नो क्या पता है, वी नो दैट क्या, क्या सर क्या पता आपको, हमें ये पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही तो होता है, हाँ सर ये होता है। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो कर दो, क्या कर दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो कर दो, कर दे रहे हैं भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, क्वेश्चन ने कहा भैया एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो कर दो, तो यहां पर बेटे हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे और आगे जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, लिख दिया ना। अब देख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, किसी भी टर्म में जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा सर, लो जीरो। ठीक है अब जब ये इसके इक्वल जीरो आ गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और 3xyz इधर माइनस में था, हम पकड़ के उधर ले गए और ये उधर हो गया प्लस का 3xyz, और जो क्वेश्चन में कहा गया था वो मैंने कर दिया है प्रूफ, लिख लो जल्दी से, ये आपका हो गया हैंस प्रूफ, जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, आज इस एक्सरसाइज का होगा खात्मा, क्या होगा, इस एक्सरसाइज का हो जाएगा आज खात्मा, और हम लोग करेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में क्या, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा चैप्टर है, ठीक है, जितने चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं आपको, आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, जल्दी से नोट डाउन करो इसको, चलते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें चलेंगे 14 14 14, आज होगा इसका खात्मा, नहीं छोड़ेंगे आज। चल क्वेश्चन नंबर कौन सा 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 14 लिखा हुआ है, इसमें लिखा क्या है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब। अब देखो एक पहले हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, -12 +7 cube +5 cube, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है और कहा गया है कि इसको बिना क्यूब के आप इसका आंसर बताओ, क्यूब मत करना। देखो अभी हम लोगों ने एक चीज देखी, क्या देखी, कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो हो जाए, ये वाली कंडीशन, ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होता है, ये देखो होता है ना, यही कंडीशन पड़ी। इसके पहले हम लोगों ने यही इसी को क्या किया था, इसके पहले हम लोगों ने इसी को प्रूफ भी किया था, इसको फिर से सही से लिख देते हैं, क्या, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 3xyz होता है, यही है ना। ये कब होता है, जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर हम यहां से देखो x को लेट कर लेते हैं क्या -12, y को लेट कर लेते हैं क्या 7, और z और सॉरी y को लेट कर लेते हैं हम लोग 7 और z को लेट कर लेते हैं 5, और जरा चेक करते हैं क्या x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो मिलता है क्या। x कितना है -12, y कितना है 7, z कितना है 5, -12 प्लस 12 जीरो हो गया, जीरो मिल गया, कंडीशन फॉलो कर गई है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू, अब देखो इन तीनों को x y z मान के मैंने जब सॉल्व किया तो हमें जीरो मिला, कंडीशन पहली फॉलो हो गई, और जब कंडीशन फॉलो हो गई तो इस कंडीशन के फॉलो होने पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, तो -12 cube + 7 cube + 5 cube इज इक्वल टू -3xyz। सॉल्व कर देंगे -36 35, ठीक है, -36 35, और सॉल्व कर देंगे इसको -1260 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो मैंने बिना क्यूब किए ये आंसर निकाला, क्यूब नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले आप क्या करना, इन तीनों को ऐड कर लेना, अगर ऐड करने पर जीरो आ जाए तो इसके इक्वल में 3 × this × this × this सबको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपका, क्लियर है। चलो इसका एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। सेकेंड पार्ट क्या है बेटे, 28 होल क्यूब प्लस -15 होल क्यूब प्लस -13 होल क्यूब, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया है, अगर हम इसको बेटे फिर से देखो, अगर एक्स लेट कर लें, इसको वाई लेट कर लें, इसको जेड लेट कर लें, और अगर बेटे हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैलकुलेट करें तो 28 - 15 - 13 28 - 28 इज इक्वल टू जीरो आ गया है, जीरो हमें मिल गया है। और हम लोग क्या जानते हैं, वी नो इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ये होता है। और मैंने एक्स को क्या लेट किया था, 28 को क्या लेट किया था एक्स, और -15 को वाई, और -13 को जेड, -13 को क्या किया था जेड, लेकिन इन तीनों को प्लस करने पर हमें क्या मिला,
इन तीनों को प्लस करने पे जीरो मिल गया, तो इज इक्वल टू 3 × 28 −15 −13। ठीक है, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई कर देना, 16380 आ जाएगा। देखो बिना क्यूब की आंसर निकाला बेटे, बिना क्यूब की आंसर निकाला है। ठीक है, ऊपर आपको क्वेश्चन में लिखा भी होगा विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है, तो आपको करना क्या है, अगर तीन नंबर एडिशन में क्यूब में दिए हुए हैं, आप उनको सम करके देखना, अगर उनका सम जीरो आ जाता है तो आप क्या कर सकते हो, आप ये वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कंडीशन अप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको चाहो तो चेक भी कर सकते हो, आप अलग अलग क्यूब निकाल के चेक कर लो, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन, अंतिम नहीं, अंतिम से पहला वाला, अंतिम से पहला वाला। ठीक है, चलो अब इसमें क्या है बेटे, देखो अगला क्वेश्चन दिया है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच द एरियाज आर गिवन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है बेटे, ये बहुत इजी है, इसमें केवल आपको फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन नंबर 15 दिया है आपको, एरिया दे रखा है 25a² −35a + 12। बेटा ये आपको एक एरिया दे रखा है, एक रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है, और कहा गया रेक्टेंगल की विड्थ और क्या बता दो, लेंथ बता दो। तो बेटे देखो मैंने इसको फैक्टर करना आपको बताया था। ठीक है, क्या करते थे सबसे पहले क्या करते थे, 12 को 25 से मल्टीप्लाई, मतलब लास्ट वाले डिजिट को स्क्वायर वाले टर्म के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई कर दो, 25 × 12, 12 × 60, 6 carry, 12 × 24 = 6, 300 आ गया। अब बेटे 300 को दो पार्ट में ब्रेक कर लो। ठीक है, दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करो कि हमें एड मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले, मल्टीप्लाई करने पर हमें 300 मिल जाए, बट एड करने पर हमें क्या मिले, एड करने पर हमें माइनस का 35 मिले। ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, जल्दी से बता दो। मेरे हिसाब से देखो, अगर हम 20 ले लेते हैं और 50 ले लेते हैं, 20 और 50, ठीक चेक कर लेते हैं एक बार, अगर हम ले ले 20 और 15। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 15 × 2 = 30, 300 तो मिलेगा, 300 तो भाई हमको मिल रहा है, लेकिन लेकिन हमको 35 माइनस का बनाना है, अगर इनको हम ऐड कर देंगे तो प्लस का 35 आ जाएगा, हमें चाहिए माइनस का। बहुत इजी है, हम क्या करेंगे, दोनों लोग को माइनस दे देंगे, एक लोग को नहीं देंगे, क्योंकि अगर एक लोग को दे दिया तो अनर्थ हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों लोग को दे देंगे, इसको भी माइनस दे दिया, इसको भी माइनस दे दिया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में हो जाता है प्लस, और 15 × 20 क्या बन जाएगा, 300। लेकिन जब हम इन्हीं को ऐड करेंगे, −20 + −15 ऐड करेंगे, तो ये हमको माइनस का 35 मिल जाएगा, यानी कि बधाइयों आपको दोनों यहां से फैक्टर्स मिल चुके हैं, एक मिल गया −20 − 15 − 20 − 15। ठीक है, मिल गए, अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है सर। कैसे, आपको दिया था 25a² − 35a + 12 दिया हुआ था, यस सर दिया था बिल्कुल, तो अब 25a² − 20a − 15a, a कहां से आ रहा सर, ये a लिखा है, देखो बेटे इन दोनों को ऐड करोगे −35a मिलेगा +12, बिल्कुल सर बहुत बढ़िया। अब दोनों में से कॉमन क्या जाएगा सर, 5a जाएगा सर, 5a कॉमन जाएगा, तो 5a चला गया, तो बेटे यहां क्या बचा, 5a − 4, यहां से क्या कॉमन जाएगा बेटे, माइनस कॉमन लेंगे, बिकॉज ऑफ दैट मैंने बताया था फैक्टराइजेशन के समय कि दोनों ब्रैकेट के अंदर डिजिट और साइन सेम होने चाहिए, तो यहां पर माइनस है बट यहां प्लस है, तो इस प्लस को माइनस बनाने के लिए बाहर हमको माइनस कॉमन लेना होगा, तो −3 कॉमन ले लिया है, तो यहां हो गया 5a − 4। अब देख लो दोनों ब्रैकेट बिल्कुल आ रहे हैं सेम,
और जो है बिल्कुल सेम ब्रैकेट उनको हम लोग लिख लेंगे एक बार, और जो है ब्रैकेट के बाहर हम लोग उनको दूसरे ब्रैकेट में कर देंगे बंद। कौन कौन है बाहर? 5a और -3 है बाहर, इनको मैंने अगले ब्रैकेट में कर दिया बंद। ठीक है, अब हम इसको लेंथ बोल लें, इसको ब्रेथ बोल लें, या इसको लेंथ बोल लें, इसको ब्रेथ बोल लें। तो हमारी लेंथ क्या आ गई है? लेंथ आ गई है 5a-4, और ब्रेथ क्या आ गई है? 5a-3 आ गई है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें इसमें लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट करना था। एरिया हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में दे रखा था, और इसको हम लोगों ने क्या किया, फैक्टराइज करके लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कर ली है। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एरिया दिया है 35 बाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15, सेकेंड पार्ट। एरिया बेटा कितना दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है 35 बाई स्क्वायर। फिर से सेम क्वेश्चन आ चुका है, डिजिट चेंज है बस। ठीक है, इसमें हमको फिर से क्या बताना है? लेंथ और ब्रेथ बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे, सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया क्या दिया है? 35 वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई माइनस 12। ठीक है, अब देख लो इसको, हम इसको कह सकते हैं 35 वाई स्क्वायर। अगर इसको हम लोग लिख दें क्या, इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, 35 है सॉरी, तो -12 × 35। पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 5 66 कैरी, 12 3 36 होता है, 36 और 6 कितना होता है? 42 हो जाता है। अब इसको हमें क्या करना है, दो पार्ट में ब्रेक कर लेना है कि मल्टीप्लाई करने पर और ऐड करने पर हमें क्या मिल जाए। ऐड करने पर हमें मिल जाना चाहिए -35, ठीक, सॉरी -13, क्या मिल जाना चाहिए? -13, और मल्टीप्लाई करने पर -420 मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देख लो, अगर हम लोग इसमें ले लेते हैं 28 और 15। देखो ये आपको सोचना पड़ेगा, या फिर आप एक काम कर सकते हो, क्या आप एक काम कर सकते हो कि आप 420 के फैक्टर कर लो, क्या कर लो, 420 के फैक्टर्स कर लो, तो यहां से भी आप पता लगा सकते हो। देखो 210 आ जाएगा, 105 आ जाएगा, 35 7 1। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग ले ले 2 2 जा 2 2 जा 4, और 4 7 जा 28, एक नंबर 28 लेते हैं, और 5 3 जा 50 ले लेते हैं, यही तो मैंने पहले नंबर लिए थे। तो आप यहां से भी पेयर्स मल्टीप्लाई करके भी आप दो ऐसे डिजिट बना सकते हो, ठीक है, कि आपको उससे दोनों कंडीशन यहां पे फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो मैंने बना लिया है 28 15। अगर मान लो इससे हमारा ना बनता, तब हम फिर क्या करते हैं, डिजिट को चेंज करते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 को 7 से, किसी को भी आप किसी से मल्टीप्लाई करके आप दो डिजिट बना सकते हो, जिसका डिफरेंस या एडिशन, जिसका एडिशन मिडिल वाले टर्म के डिजिट के बराबर हो, और जिसका मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर हो जाए। ठीक है, चलो तो अब जो है हमको मिल गया है क्या, 28 और 15। अब देखो 28 15 किसको माइनस दें, किसको प्लस, बिकॉज यहां आ रहा है माइनस में, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम अगर 28 को दे दे माइनस, इसको दे प्लस, और कर ले जरा मल्टीप्लाई, तो ये हमको मिल जाएगा माइनस का 420 मिलेगा, बिल्कुल सर। और जब हम जो है क्या करेंगे, -28 में 15 प्लस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, -13। क्लियर हो रहा है ना? बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, हमें चाहिए किसका, प्लस का 13 की माइनस का? हाँ भैया, हमें चाहिए सर माइनस का, सॉरी प्लस का चाहिए सर, आप यहाँ माइनस का लेके आ रहे हो, यहाँ हमको प्लस का चाहिए, ये क्या कर रहे हैं सर आप? सही कह रहे हो भाई, हम क्या करें, इसको माइनस को दे देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, और यहां पर भी देख लो, यहां पर हमें इसको माइनस दे दिया, इसको प्लस कर दिया, अब ठीक है सर, अब ये बिल्कुल सही आ रहा है सर हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा 28 वाई, और आगे क्या था, -15 वाई और -12। अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं, कॉमन कितना जाएगा, 7 वाई। 7 वाई क्या हो गया, कॉमन हो गया है ना। ठीक है, तो यहां से क्या बचा, 5 वाई, यहां से क्या बचा, 4, यहां से माइनस कॉमन लिया 3, 5 वाई प्लस 4, और यहां से देख लो तो 5 वाई प्लस 4, और दूसरे ब्रैकेट में 7 वाई माइनस 3,
तो बेटे यहां से आपका लेंथ 5y+4, ब्रेथ 7y-3। ठीक है, बिल्कुल इजी है फैक्टर करने, दो फैक्टर्स आएंगे और उसके बाद आप एक लेंथ हो जाएगी और एक। चलो बेटे ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। बेटे इसके लास्ट का एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, लेकिन आज ये नहीं पॉसिबल हो पाएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप जितने क्वेश्चंस मैंने लगवा दिए सारे क्वेश्चंस, सारी आइडेंटिटीज को अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, और लर्न देखो बेटे ऐसा ना करना कि आप इसको लर्न कर रहे हो बैठ के, ना, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लगाओगे आइडेंटिटीज को यूज करके उतनी अच्छे तरीके से आइडेंटिटी आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी डाउट हो उसको हमसे क्लियर करिए। गुड बाय।